रिटायर्ड है, आप उनको क्यों नहीं आप नौकरी दे रहे? बड़े बड़े उद्योगपतियों को आगे बीजेपी कर रही है, बड़े बड़े अधिकारियों को बीजेपी आगे कर रही है। आखिरकार बीजेपी के प्रवक्ताओं का आपने सुन लिया क्या चाहते हैं वो? सर एक और ओबी जो बकाया है लोगों की, और वन रैंक वन पेंशन, अब तो ये कह रहे हैं नो रैंक नो पेंशन। जो लोग ये योजना चलाना चाहते थे, जिसके समर्थन में फौजियों ने भरोसा किया कि वन रैंक वन पेंशन, अब तो ऐसी स्थिति पैदा कर दी कि नो रैंक नो पेंशन। सर सपा नेता आजम खान जी ने ये कहा है कि हमें औरंगजेब वाला हिंदुस्तान वापस कर दो, तो क्या इसके बाद में शरीयत कानून वापस आएगा? इस पर आपका क्या कहना है? ये मुझे नहीं पता किसने कहा है और किसके बारे में कह रहे हो आप, बताइए किसने कहा है? ये सपा नेता आजम खान जी ने कहा है। नहीं नहीं, क्या कहा? कि औरंगजेब का जो हिंदुस्तान है वापस होना चाहिए। आप कुछ और बोल रहे हैं भाई, अपने चैनल चलाने के लिए कुछ ऐसा मत बोलो। मैं जानता हूँ क्या चैनल चलाना चाहते हैं भैया, उपचुनाव यहाँ पे बीजेपी के पैसे से चैनल चलाने के लिए ये शब्द मत इस्तेमाल करिए। उपचुनाव में क्या? उपचुनाव दोनों समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है, रामपुर का चुनाव भी और आजमगढ़ का चुनाव। आजमगढ़ की जनता पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी के साथ खड़ी दिखाई दे रही है, रामपुर की जनता पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी के साथ खड़ी दिखाई दे रही। दोनों उपचुनाव समाजवादी पार्टी भारी वोटों से जीतने जा रही है। नूपुर शर्मा के बयान से लगातार आगजनी हुई, कई जगह बवाल हुआ, उन्हें सजा देनी चाहिए और जो कानून कहता है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। नूपुर कांड के बाद जो दुनिया की